हेलो एंड शालोम एवरीवन, मैं हूं पास्टर डॉक्टर नीतू पी चौधरी और आपको मैं जेनेसिस 50:20 में से इनकरेज करना चाहती हूं। जबकि यूसुफ अपने भाइयों को कहता है कि आपने तो मेरे नुकसान और मेरी हानि के लिए ये सब बातें की थी, मगर फिर भी परमेश्वर ने इन सभी में से मेरे लिए उन्नति का मार्ग निकाला। परमेश्वर ने यूसुफ को एक ख्वाब दिया था जो बहुत खूबसूरत था कि वो बहुत ग्रेट बनेगा, उसे परमेश्वर बुलंदी पर लेकर जाएंगे, पर उससे पहले उसे कुछ अंधकार से भरी हुई जगहों से होकर गुजरना पड़ा और परमेश्वर ने उन सब डॉट्स को बाखूबी खूबसूरती के साथ निभाते हुए उसे उस डेस्टिनी की ओर बढ़ावा दिया। उसे एक खड्डे में फेंक दिया गया, फिर बेच दिया गया, फिर झूठे केस में जेल में फिकवा दिया गया। जेल में जाकर उसने इंटरप्रेट की फेरो की ड्रीम्स को और फिर उसे इंचार्ज बना दिया गया पावरफुल नेशन ऑफ इजिप्ट का। हर स्टेप परमेश्वर की ओर से डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेट किया गया था ताकि यूसुफ स्टेप बाय स्टेप अपनी उस डेस्टिनी की ओर जा सके, उसको पकड़ सके। हो सकता है आज यूसुफ की तरह आप भी अपनी जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स को, निराशा को, धोखे को, बिट्रेयल और सेटबैक्स को देख रहे हैं। हो सकता है कि ये परमेश्वर के प्लान का ही एक हिस्सा हो और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके परमेश्वर आपको आपकी डिवाइन डेस्टिनी की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। आपको अभी जो ट्रबल्स दिख रही हैं, हो सकता है कि वो परमेश्वर का ही हाथ हो और जब एक दिन आपके लिए परमेश्वर उन सब डॉट्स को इकट्ठा करे तो आप जान पाए कि परमेश्वर ने उन सभी चीजों में से आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न किया है। ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं ये जो आपको आपकी डेस्टिनी की ओर धकेल रहे हो ताकि आप उस प्रॉस्पेरिटी की, उस बेहतरीन डेस्टिनी को हासिल कर सकें जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। आपने शायद पहले इन चीजों को कभी ना देखा हो, वो इसलिए क्योंकि अब जो आप पाने जा रहे हैं इसके बाद वो ऐसा है, वो इतना बढ़िया और बेहतरीन है जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सो यू नीड टू बी पेशेंट। आप इस चीज को धीरज के साथ लेकर चले ताकि आप इस प्रोसेस में से होकर गुजरे और परमेश्वर का धन्यवाद दे सके। इस मैसेज के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूं। गॉड ब्लेस यू।